टाइम्स नाउ नव भारत बाढ़ की कवरेज करते हुए समेज शिमला के गांव में वहां पे पहुंचा है, जहां हम आपको ग्राउंड रियलिटी बताएंगे कि बाढ़ आने से पहले कहां पे क्या था और क्या कुछ इस नदी और बाढ़ की चपेट में आ गया। यहां जिस वक्त यहां मैं खड़ा हूं, ये समेज गांव के सेकेंडरी स्कूल की जगह थी। यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, बच्चों का स्कूल था। यहाँ पे जो बिल्डिंग थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन वो बाढ़ इतनी ज्यादा आई, स्कूल की बिल्डिंग जो है वो बनी आधी बनी हुई बिल्डिंग साथ ही बहा के ले गई। और इस बहती हुई बाढ़ में 6 बच्चे भी जो बह के गायब हैं। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग थी। और इसके पीछे देखिए, अब मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा वो पीछे वाली बिल्डिंग पे फोकस करें, क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल है, वो इस गांव का प्राइमरी स्कूल है, जहां आईटीबीपी जो है इस समय सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अपना चला रही है। ये देखिए, वो आईटीबीपी की टीम जो है वो स्कूल के अंदर तक घुस चुकी है, क्योंकि जो बाढ़ की मिट्टी और बाढ़ के साथ जो घाघ आई थी वो स्कूल को पूरा चपेट में ले चुकी है, और जो मिट्टी है वो रूम के अंदर तक, क्लासरूम्स के अंदर तक गई हुई है। और इस स्कूल के साथ लगती हुई बिल्डिंग, अब कैमरा पर्सन को कहूंगा कि स्कूल की साथ लगती हुई बिल्डिंग भी दिखाए। देखिए, ये देखिए कि पानी का लेवल कितना था। इस वक्त जहां पे मैं खड़ा हूं वहां से लगभग कई फीट ऊपर तक पानी जो है वो टच कर गया था। ये तस्वीर बिल्डिंग की टूटी हुई तस्वीर, और एक जो पिलर है वो पानी के बहाव में बह गया है, आधा लेंटर नीचे गिर चुका है, पानी छत को टच कर रहा था, इतना ज़्यादा पानी का बहाव था। ये घर का घर पूरा पानी में दब गया है। यहीं से जो 33 लोग हैं वो यहीं से मिसिंग है। सेना किस तरह लोगों की तलाश कर रही है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, चलिए आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। समेज गांव है, उसमें जो 33 लोग मिसिंग हैं उनको ढूंढने के लिए लगातार लगे हुए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि नीचे की तस्वीर दिखाएं। देखिए, वो नीचे खाई में उतरे हुए हैं, क्योंकि ये सतलुज का पानी बादल फटने के बाद बहाव इतना बढ़ गया था कि यहां तक आ चुका था, जहां तक वो सर्च कर रहे हैं वहां तक आ चुका था। और ये खाई में उतरने के लिए जो है वो इंडियन आर्मी रोप यूज कर रही है, रोप के जरिए नीचे, क्योंकि यहां से नीचे उतरने का कोई भी रास्ता नहीं है। सर्च ऑपरेशन जरूरी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन यहां से रोप यूज की जा रही है नीचे उतरने के लिए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो सर्च करते हुए अपने इक्विपमेंट्स के साथ नीचे चले जा रहे हैं, क्योंकि जो पानी है, पानी एक बार बहाव ऊपर आया और ऊपर आने के बाद जो पानी है वो नीचे वापस अपने रास्ते में चला गया, लेकिन जहां जहां तक पानी पहुंचा था वहां वहां तक ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। इंडियन आर्मी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, NDRF, SDRF और हिमाचल प्रदेश पुलिस इस सारे सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। ये तस्वीर आपको सब कुछ बयां करती है।